नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों का किया खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जिला स्कूल मैदान में नौकरी पाने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़, बुधवार को भी युवा रोजगार मेले में कर सकेंगे आवेदन। NH80 पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में बाल बाल बचे चालक और खलासी। रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और उपचुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 अलग अलग मामलों का खुलासा कर दिया है, जिसमें नाथनगर, लोदीपुर और इशाकचक थाने के अलग अलग मामले शामिल हैं। वहीं इस मामले की जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी ने बताया कि बीते माह टोटो चालक नंदकिशोर कुमार से मुंगेर से नाथनगर लौटने के क्रम में हथियार का भय दिखाकर बदमाशों ने टोटो और 500 रुपये छीन लिए थे, जिसकी शिकायत पर नाथनगर थाने में केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस की विशेष टीम ने फरार आरोपी सचिन मंडल, संजय मंडल और अविनाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथ ही पुलिस ने लूटे हुए टोटो की बैटरी और सीट भी बरामद किया है। सिटी एसपी ने कहा कि दूसरा मामला लोदीपुर से जुड़ा है, जिसमें बीते दिनों इशाकचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर निवासी प्रशांत कुमार शाह के पुत्र अमन और उसके साथी करण शाह से अज्ञात बदमाशों ने खुद को टाइगर पुलिस बताकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित की तरफ से 5 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ लोदीपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था। सिटी एसपी ने कहा कि बदमाशों ने बाईपास टोल प्लाजा के समय फर्जी तरीके से टाइगर पुलिस बताकर उनके खाते से कुल 99,800 रुपये की निकासी करा ली थी। और इस मामले में भी लोदीपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 आरोपी सोनू कुमार, आशीष कुमार समेत एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके अलावा सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने शाकचक मामले को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की साइबर सेल द्वारा विवादित टिप्पणी को लेकर स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई, जहां पुलिस ने भिकनपुर बरहपुरा से आरोपी युवक को एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस सभी मामलों पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भागलपुर पुलिस द्वारा 3 गंभीर मामलों में काम किया गया है। पहला मामला लोदीपुर थाना अंतर्गत है, इसमें 19 अक्टूबर को 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूटी पे सवार होकर खुद को टाइगर पुलिस बताते हुए 2 लड़कों के साथ बाईपास ढाबा के पास ले जाकर उसको उनका वीडियो बनाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, एक्सटॉर्शन किया गया और करीब 1,00,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा कर छोड़ दिया गया था। पुलिस के नॉलेज में ये मामला आने पर हमने उन्हें तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 वेटरन अपराधी हैं। पहला सोनू कुमार है, जो 0 थाना का रहने वाला है। ये 5 बार जेल गया हुआ है, लूट और 307 के मामले इस पर दर्ज हैं। दूसरा आशीष कुमार है, ये जगदीशपुर थाने का रहने वाला है। ये 2 बार जेल गया है, एक शराब के कांड में और एक मारपीट के कांड में। तीसरा राजा कुमार है, ये तिलका मांझी थाने का रहने वाला है। ये भी दारू के केस में पहले जेल गया है और तिलका मांझी थाने से ही मारपीट के केस में जेल गया है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा मंगलवार को जिला स्कूल प्रांगण में प्रमंडलीय स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सहायक निदेशक नियोजन भरत जी राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान नियोजन मेला में करीब 5,000 रिक्तियों के लिए निजी क्षेत्र के 41 नियोजकों द्वारा स्टॉल लगाया गया। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि युवाओं के लिए यह मेला निजी क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ शिक्षित बेरोजगार को मिलेगा। डीएम ने कहा कि युवाओं के लिए सरकार हर कदम पर उनके साथ है और युवा शक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करे, जिसमें वो खुद के साथ राज्य के विकास में सहभागी बन सके। साथ ही डीएम ने अधिक संख्या में नियोजकों एवं रिक्तियों की संख्या 5,000 से अधिक होने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आगे भी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। वही कार्यक्रम
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक भरत जी राम ने सभी नियोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए विभाग के द्वारा पूरे राज्य में रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिससे काफी संख्या में बेरोजगार युवाओं का नियोजन भी हुआ है। इसके अलावा प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया, जबकि संचालन विजय आनंद चौधरी और धन्यवाद ज्ञापन नियोजन विभाग के उपनिदेशक ने किया। इधर मेले में कई सरकारी विभाग एवं निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाया गया, जहां सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन किया गया। मौके पर जीविका सामाजिक सुरक्षा कोषांग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और जिले के KYP सेंटर की ओर से स्टॉल लगाकर युवाओं को जरूरी टिप्स और मार्गदर्शन दिया गया। इस मेले का आयोजन जो है श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया है, और आप आज जान रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जो सक्षम युवक युवतियां हैं उनको आवंटित किए जाएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा अगर वो एग्री होंगे इस जॉब को करने के लिए। तो ये इस तरह के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और पिछले साल लगभग 1 साल में कई इस तरह के आयोजन हुए हैं और इसी का परिणाम है कि राज्य स्तर पर भागलपुर की जो है वो रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, प्रथम स्थान पर है भागलपुर की। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय है उसके सारे निश्चयों का अनुपालन हम लोग कराते हुए युवक युवतियों के स्किल को भी इम्प्रूव करें, उनको रोजगार के भी बेहतर अवसर दें और वो आगे बढ़ें, जिससे कि देश और समाज आगे बढ़ेगा। भागलपुर जिले का 2 दिवसीय प्रमंडलीय रोजगार सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को उनके नज़दीक विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय, राज्य के और क्षेत्रीय नियोजक के द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही रोजगार बाजार में विभिन्न प्रकार की रोजगार के संबंध में उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इस मेले के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा जो जो योजनाएं छात्रों के लिए हैं उसके बारे में भी उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर NH 80 छोटी पुलिया के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस घटना में ट्रक में गिट्टी लदा था और इसके ड्राइवर और खलासी की जान बाल बाल बच गई। वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजय मंडल ने बताया कि छोटी पुलिया में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर सड़क दुर्घटना होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जिला और स्थानीय प्रशासन लापरवाह बनी हुई है। बता दें कि इस पुलिया पर बैरिकेडिंग को लेकर स्थानीय विधायक के द्वारा जिलाधिकारी को भी जानकारी देने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इधर सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने खाई से ट्रक निकालने की कवायद शुरू कर दी है। रोड का चौड़ाई यहाँ बहुत कम है जिसके कारण बार बार दुर्घटना होती है, डबल गाड़ी पार नहीं कर पाती है जिसके कारण दुर्घटना का कारण हुआ भी है। दोनों तरफ से गाड़ी अगर तेज़ी से चलती है तो एक गाड़ी अगर ब्रेक मारते मारते भी पुल पर घुस जाती है दूसरा को टक्कर दे देती है। रात में भी जो घटना हुआ तो यह जो गाड़ी आ रही थी पूरब से आ रही थी ट्रक, इधर से पश्चिम से मैजिक गाड़ी थी, तो दोनों जो है आमने सामने, एक गाड़ी तो मैजिक रोक दिया पुल के इस पार, एक गाड़ी जो है साइड करने के चक्कर में वो जो है रेलिंग को तोड़ते हुए जाके गड्ढा में कूद गया गाड़ी। जी पूर्व में भी यहाँ पे एक छठ कई घटना महीना में तो 2 बार 3 बार घटना होते रहते हैं। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लखमीनिया फूलचक के शिरांचक गांव में रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग की घटना में बीती रात एक युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इसके बाद वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जबकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बलिया थाना की पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई। मृतक युवक की पहचान खगड़िया के महेश खुंट निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में अपने भाई के साथ बलिया पहुंचा था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा की गई हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं इसको लेकर मृतक रवि के भाई का कहना है कि उसने जब वहां पर फायरिंग कर रहे लोगों को गोली चलाने से मना करते हुए अपने भाई को अलग ले जाने की कोशिश की, तभी फायरिंग कर रहे लोगों ने रवि कुमार को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर बलिया पुलिस रवि के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले के छानबीन में जुट गई। कहाँ पर ये घटना घटी, कहाँ गए थे? लखमीनिया। हाँ। कौन बुलाया था, किसके शादी में थे? वकील संजय शर्मा के शादी में थे, वकील शर्मा उसके पापा। अच्छा, लखमीनिया में वो रहते हैं। रिसेप्शन हरम का घर है वहाँ पे।
तो वो आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं, बस दोस्ती के नाते बुलाया था। किसका दोस्त था, उनका था कि आपका था? हम दोनों का ही दोस्त था, कॉमन फ्रेंड था। तो दोनों भाई हैं आप लोग? हम दोनों भाई थे, सहोदर भाई हैं। हाँ। तो ये कब का घटना है? उसके बाद मेरे सामने वो दो फायरिंग, हवाई फायरिंग किया। हाँ। हम इसको हटाने लगे तब तक नहीं। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए मंगलवार को विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा के वाचनालय में मोकामा उपचुनाव में निर्वाचित नीलम देवी और गोपालगंज से निर्वाचित कुसुम देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री एवं सदन के सदस्य मौजूद रहे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग की ओर से दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए प्रमंडलीय स्तरीय रोजगार से मार्गदर्शन मेला का लाभ लेने की अपील की, जहाँ कुल 41 कंपनियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में युवा वर्ग के लिए रोजगार के सृजन का अवसर दिया जा रहा है। बता दें कि नॉन मैट्रिक से उच्च शिक्षा प्राप्त युवा इससे लाभान्वित हो सकेंगे, साथ ही ITI, डिप्लोमा, मेडिकल समेत कई क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस रोजगार मेले में भागलपुर के दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे शिक्षित बेरोजगारों से रोजगार मेला और इससे होने वाले लाभ को लेकर खास बातचीत की सिल्क टीवी संवाददाता ईशू राज ने। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर के लंबे समय से कवायद शुरू है, इसको लेकर के अभी वर्तमान डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात कही थी। हालांकि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी 10 लाख रोजगार देने का युवाओं को वादा किया था। आज की अगर बात करें तो भागलपुर के जिला स्कूल में श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार मेला लगाया गया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि रोजगार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है रोजगार की, किस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है, किस तरह से रोजगार यहाँ पर दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं? पुटिया सनोला से। सनोला से यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ आए रोजगार को समझने के लिए और अगर जॉब मिल जाए तो जॉब करने के लिए आए। समझे किस किस तरह का रोजगार यहाँ मिल रहा है? रोजगार कुछ सरकारी रोजगार की में भी मतलब ट्रेनिंग करके भेजा जाएगा, या कुछ प्राइवेट है तो उसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके सैलरी बेसिक पे लिया जाएगा। किस तरह का रिस्पॉन्स लग रहा है, क्या लग रहा है रोजगार मिलेगा? रोजगार तो रिज्यूम वगैरह सेंड किए हैं और फॉर्म भर के भी डाले हुए हैं, अब उनका रिस्पांस देखते हैं कैसा आता है। कितने दिनों के बाद बात कही गई है रोजगार देने की? वो सर तो बताएं कि जितना जल्द से जल्द होगा कॉलिंग आएगा आपको, फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। आपका क्या नाम? क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानगंज भागलपुर से। किस लिए आए हैं यहाँ पर? आए हैं जॉब के लिए यहाँ पर। क्या बोला गया? बोला गया यही कि यहाँ रोजगार मेला लगा हुआ है। हाँ। यहाँ पर आकर के अपना जो है जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप बायोडाटा बना करके दे और उसके बाद जॉब के लिए यहाँ पर रोजगार मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम जो है अभी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं नर्सिंग से। हाँ। तो उनके बाद आए और यहाँ पर एक एडवांस फॉर्म लगा हुआ है तो उसी में हम जा करके एप्लीकेशन दिए वहाँ पे, वो बायोडाटा
तो उनसे पूछे कि कितना मतलब सैलरी मिलेगा। उन्होंने बोला कि पहले नौकरी लगेगा तब ना सैलरी मिलेगा। अच्छा, किस तरह के नौकरी की बात हुई? कुछ तो कहा होगा, आश्वासन दिया होगा। नर्सिंग के लिए हम अप्लाई किए, नर्सिंग के लिए अप्लाई किए थे। फिलहाल भागलपुर से इतना ही। सिल्क टीवी के लिए ईसुराज। बेहटा पुलिस ने मौथी गांव में अपराधी के छिपे होने की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मौके से 326 जिंदा कारतूस समेत दो विदेशी राइफल और एक एयर गन बरामद किया है। बरामद विदेशी राइफल में से एक इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में निर्मित है। वहीं इसको लेकर बेहटा पुलिस ने बताया कि बीती रविवार की देर शाम सिकंदरपुर गाँव में जमीन विवाद को लेकर मुकेश कुमार सिंह और उसके साथियों ने जमकर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें सिकंदरपुर निवासी हरेंद्र वर्मा की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि हरेंद्र वर्मा हत्याकांड में पुलिस ने पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इधर दानापुर एएसपी अभिनव धीमान ने कहा कि हरेंद्र वर्मा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजीत सिंह और मुकेश सिंह की सूचना पर मौधी में बिहटा थाना अध्यक्ष तनोवर खान के नेतृत्व में छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस की आहट मिलते ही अंधेरे का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी अजीत सिंह और मुकेश सिंह वहां से फरार हो गया। जबकि अजीत सिंह के घर की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, दो विदेशी राइफल और एक एयर गन बरामद हुआ। 20 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक हरेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का केस दर्ज हुआ था। 1235 बीटा थाना, जिसमें तीन नामजद अभियुक्त उसमें रहने का वाला है। तो कल रात एक सूचना मिली कि वो अपने सहयोगियों के साथ मोदी गांव में काफ़ी सारी भारी मात्रा में हथियार व गोलीबारी के साथ वहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसमें एक हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व सनोवर खान जो बेटा थाना प्रभारी हैं, उसके अलावा यहाँ से मनोज सिंह, मेरी अनुमंडल की QRT व थाना की QRT, अन्य सिपाही बल का एक टीम गठन की गई, जिनके द्वारा मोदी में रेड की गई। उनके एक सहयोगी हैं अजीत कुमार करके, वहाँ उनके घर से भारी मात्रा में करीब 326 जिंदा कारतूस, करीबन 2 लाख कैश, उसके अलावा एक राइफल जो विदेशी मेड बताई जा रही है अभी तक, वो बरामद की गई। उसके अलावा मुकेश सिंह के घर पर भी रेड की गई, जिसके क्रम में उनके घर से एक एयर राइफल, एक राइफल भी बरामद की गई है। बक्सर के 64 थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत टेक्निकल मजदूर के मौत की खबर मिलते ही थर्मल पावर के मजदूर काफ़ी उग्र हो गए। अपने साथी मजदूर की मौत से आक्रोशित मजदूरों ने प्लांट में काम काज ठप कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी जयचंद महतो के रूप में हुई है, जबकि थर्मल पावर प्रबंधन की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। वहीं आंदोलन कर रहे मजदूरों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि फिलहाल मौत के कारण का अब तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। इधर पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है। और अंत में चलते-चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों का किया खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार, CTSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जिला स्कूल मैदान में नौकरी पाने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़, बुधवार को भी युवा रोजगार मेले में कर सकेंगे आवेदन। NH80 पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में बाल बाल बचे चालक और खलासी। रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और उपचुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।